दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। और अभी हम जा रहे हैं महाबलेश्वर से टपोला। यहाँ पे बोर्ड है जहाँ पे लिखा है टपोला यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी है जो शायद आपके कभी काम आ सकती है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है आगे, महाबलेश्वर टपोला रोड पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। बाई चांस आपको पेट्रोल अगर भरवाना हो तो बेबिंगटन पॉइंट तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था, विल्सन पॉइंट बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। ये ट्रिप के लिए दोस्तों मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते क्योंकि इसे टपोला को मिनी कश्मीर कहा जाता है। गूगल मैप बता रहा है कि यहाँ से 25 किलोमीटर है और वहाँ का बोर्ड जो था वो बता रहा है कि 18 किलोमीटर है। अब तो जाएंगे तो ही पता चलेगा। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह हो चुकी है महाबलेश्वर में, आई थिंक 7:30 7:40 हो रहा है, तो काफ़ी जल्दी निकला हूँ मैं। थैंकफुली आज सुबह जल्दी उठ चुका हूँ। और यहाँ पे ये जो बोर्ड है यहाँ पे भी 25 किलोमीटर लिखा है। अच्छा अब समझ में आया कि वो जो पेट्रोल पंप है वो 18 किलोमीटर दूर है, टपोला 25 किलोमीटर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अभी तक जो ये रास्ते हैं ना वो लग रहा है कि अच्छे हैं और होपफुली बस ऐसे ही अच्छे रहे ताकि हम टपोला जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उसको एक्सप्लोर कर सके। अगेन वन लेन रास्ता, वही रास्ता, वैसे ही रास्ता जो हमने महाबलेश्वर प्रतापगढ़ रोड पे देखा था। लेकिन एक चीज़ है, जब प्रतापगढ़ गया था ना तो वहाँ के रास्ते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ के अब तक तो शुरुआती जो एक्सप्रेशन है, जो इम्प्रेशन है शुरुआती, वो लग रहा है कि रास्ते बहुत अच्छे हैं। ठंडी लग रही है दोस्तों, जैकेट पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है और रास्ते अच्छे हैं। आसपास डेंस फॉरेस्ट है तो और मज़ा आ रहा है। इसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहता था हमेशा से कि ये टपोला को मिनी कश्मीर क्यों कहते हैं, इतना क्या अच्छा है। अब डेफिनेटली अगर मिनी कश्मीर कहते हैं, कश्मीर आई थिंक सबसे खूबसूरत जगह है इंडिया में, और अगर उसका मिनी हिस्सा भी ये रहा, उसका 20% भी ये रहा, तो आई थिंक यहाँ पे जाने का जो टाइम हमने इतना स्पेंड किया ना, टोटली वर्थ इट होगा, ये पूरी ट्रिप वर्थ होगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ते बहुत अच्छे हैं तो इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड में गाड़ी भी चला सकते हैं, और इतने जिगजैग रास्ते अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहे। दोस्तों मैं 10 किलोमीटर ये रास्ते पे गाड़ी चला चुका हूँ, टपोला अभी 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो 10 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है ना, ये थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। इन टर्म्स ऑफ रोड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। मौसम भी ज़बरदस्त है, दोनों तरफ यूजुअली ज़्यादा करके झाड़ी रह रहे हैं, वैली व्यू बहुत कम आ रहा है, और वैली व्यू जब जब आ रहा है तो वैली व्यू के नाम पर स्ट्रॉबेरी फार्म्स दिख रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर ऑफ रोडिंग पैचेज है लेकिन वो काफ़ी मैनेजेबल है, कहीं कहीं जगह पे खड्डे हैं लेकिन वो भी छोटे छोटे खड्डे हैं, तो मैनेजेबल है। रास्ता ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है, बस सिर्फ एक चीज़ मेरे को लगती है कि ये रास्ता चांस है कि और वाइड हो सकता है, और अगर और थोड़ा सा वाइड रहे ना तो बेटर है, क्योंकि मैं सुबह 8:30 बजे गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, सामने से गाड़ी बहुत कम आ रही है, तो इसीलिए मुझको लगता है कि मैं इन्जॉय कर पा रहा हूँ। लेकिन यही शायद मैं 12 बजे चलाऊँ और सामने से अगर गाड़ी आज ज़्यादा आए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी एक ट्रक आया ना, मुझे साइड में एक्चुअली गाड़ी रोकना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ इतना है कि अगर ट्रक जाएगी ना तो मैं नहीं जा सकता, मुझे साइड में गाड़ी रोकना पड़ा और तब ट्रक गया वहाँ से। और ये मुझे पहला ढाबा मिला है रास्ते पे, 10-11 किलोमीटर के बाद पहला कुछ ढाबा मिला है जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी हो रही है, और पहला ऐसा ढाबा मुझको मिला है, वरना अब तक पूरा एकदम सिर्फ रास्ता था और जंगल थे। लेकिन अभी अभी कुछ कुछ घर भी मेरे को दिख रहे हैं, अब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। पहले 10 किलोमीटर सिर्फ रास्ता और कुछ भी नहीं, लेकिन अभी बीच पीछे मेरे को एक होटल भी दिखा जहाँ पे आप रह सकते हो। अगेन ये फार्मिंग ही लग रहा है, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग ही होगा।
ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो फील आता है ना इस रास्ते पे, सच में यहाँ पे बाइक चलाना टोटली वर्थ है। और मुझे याद है कल ही सुबह मैं प्रतापगढ़ फोर्ट गया था, वहाँ के रास्ते बड़े गंदे थे, एक तो जिगजैग थे, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जिगजैग भी ना इतना जिगजैग नहीं है, प्लेन सीधा रास्ता है, टर्न्स आते भी है ना तो इतने एक्सट्रीम टर्न्स नहीं आते, लाइट टर्न्स आते हैं। ये देखिए स्पॉट ऑन का होटल पीछे भी मुझे एक मिला, मतलब यहाँ पे होम स्टे भी है। और अभी 10 किलोमीटर के बाद एक्चुअली मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, होटल दुकान भले बंद है, ऑब्वियसली 8:30 बज रहे हैं, लेकिन बाद में आपको यही सारी चीज़ें यही सारे ढाबे खुले मिलेंगे। वैली व्यू होम स्टे, फिर से होटल, फिर से ढाबा। चलो मतलब पहले 10 किलोमीटर कुछ खास नहीं है, पर उसके बाद एक ऐसा पैच आता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं और हमको सिर्फ ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ते रहना है। बीच बीच में ऐसे रास्ते आते हैं जो छोटे छोटे गांव की तरफ जाते हैं, हमको सिर्फ सीधा ये जो मेन रोड है ना, बस ये मेन रोड पकड़ के आगे चलता चला जाना है। धूप अभी भी आई नहीं है, आसमान में बादल काफ़ी है और इसीलिए मौसम और ही अच्छा और एकदम ठंडा है, एकदम चिली चिली सी हवा आ रही है और मज़ा आ रहा है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। हम टपोला के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे आई थिंक, मुझे लगता है व्यू और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अब तक इन टर्म्स ऑफ वैली व्यू तो कुछ ऐसा खास मिला नहीं है क्योंकि दोनों तरफ ना झाड़ बहुत सारे। आगे देखते हैं अभी और क्या है। टपोला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, व्यू थोड़ा सा बदल गया है दोस्तों, थोड़ा सा खुला खुला हो गया है। अब तक जो इतने सारे झाड़ थे वो हट चुके हैं, थोड़ा सा व्यू खुला खुला हो गया है, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत अच्छा है और इसीलिए गाड़ी चलाने में यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे हम टपोला के और ज़्यादा नज़दीक पहुँच रहे हैं और जगह जगह पे अभी तो मुझे ढाबे मिल रहे हैं जो पहले 10 किलोमीटर में बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन 10 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस हुआ और जैसे जैसे टपोला नज़दीक आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे ढाबे बहुत सारे होम स्टे हमको मिल रहे हैं। व्यू बदल चुका है, पूरा जो है व्यू वो खुल चुका है, जो एकदम झाड़ों से कैद था, झाड़ों के बीच में से जो हम जा रहे थे अभी पूरी तरह से खुला है। पेट्रोल डीजल, यहाँ पे पेट्रोल पंप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे रास्ते पे कभी हमको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम टपोला से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पहले है और ये पेट्रोल पंप आया, तो ज़रा ध्यान रखना। आई थिंक 10 किलोमीटर भी नहीं है, 9.5 किलोमीटर है यहाँ से टपोला और हमको पेट्रोल पम्प मिला। ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों, ठंडी काफ़ी है, एकदम हवा ऐसी बह रही है कि वो थोड़ा सा एक चैलेंज है, लेकिन मैनेजेबल भी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर ज़्यादा है। और ये रास्ते देखो, बस सीधा चलता चला जाना है, सिर्फ सीधा जाना है। और टर्न्स भी तुमको आएंगे ना तो एक्सट्रीम टर्न्स नहीं आएंगे, लाइट टर्न्स आएंगे। और अभी धीरे धीरे ना इस तरफ वैली व्यू दिखना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी हवा में फॉग दिख रहा है तो वो क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में अभी स्पॉट्स आ रहे हैं जहाँ पे देखिए देखिए देखिए, ओहो हो 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 हो, खूबसूरत है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये जो व्यू मैंने देख लिया ना, अभी भी लाइट दिख रहा है, हवा में फॉग है, आई एम श्योर हमारे टपोला पहुंचने तक ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ओहो हो, बस आ गई बस आ गई, ये देखिए अगर बस या ट्रक आ जाए ना तो मुझको साइड में रुकना पड़ेगा।
वरना ये बस नहीं जा पाएगी हमें। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पे बसेस चलती है, पता करना पड़ेगा यहाँ पे अगर कोई बस आती है तो। ओह हो दोस्तों, टपोला का जो व्यू दिख रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कब पहुँचूँगा। 8:20 AM और हम अभी 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों हम टपोला के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और अभी से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू दिखना शुरू हो गया है। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है टपोला, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गए। रास्ते बीच में ना दोनों तरफ वैली व्यू दिख रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ राइट साइड पे दिख रहा है। और थोड़ी देर पहले दोनों तरफ वैली व्यू दिख रहा था और बहुत खूबसूरत वैली व्यू दिख रहा था। और फॉग भी ना हल्का हल्का क्लियर हो रहा है, तो मतलब जो वैली व्यू में क्लैरिटी है ना वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्रिसमस ट्री, बोट भी आ गया। टपोला ओनली 1 किलोमीटर। यहाँ का ऑसम वेदर जो है ना, वेदर भी अभी तक बहुत अच्छा बना हुआ है। गूगल मैप बोल रहा है सिर्फ 400 मीटर और टपोला आ जाएगा। देखते हैं अभी आगे टपोला में कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर घूमना है, फिलहाल अभी तक नहीं पता मुझे। पर इतना फिलहाल पता है कि हम टपोला पहुँच गए। हम टपोला में हैं अभी। मेरे ख्याल से ये टपोला का रेजिडेंशियल एरिया भी शुरू हो गया। चलिए दोस्तों अभी तो टपोला पहुँचे, पहले तो समझना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और फिर सारी चीज़ें घूमेंगे देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।